एमपी के सतना से दो जुड़वा भाइयों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। अपने दो मासूम बेटों को खोने के बाद पिता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि ऐसे नरपिशाचों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इन्होंने एक माँ की ममता को तार तार किया है। साथ ही इन्होंने हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। उन्हीं को पकड़ के उन्हीं के द्वारा बताया गया, ये मरका के अंतर्गत जोगिनी देवी मंदिर पे जमुना घाट पर हमने बच्चों के हाथ पैर बांध कर जाली में लपेट के जंजीर से पत्थर मार के नदी में 30 तारीख की फेंक दी। उनको फिरौती की रकम भी दे दिया। इसके बाद ये हमारे पास छोटे छोटे बच्चों की हत्या, निर्मम हत्या, इसमें जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का एक भी हक नहीं है। ऐसे नरपिशाचों को तुरंत सख्त से सख्त, मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, मेरे बच्चों की जो बलि हुई है ये बेकार रह जाए। ऐसे नरपिशाचों की समाज में रहने का कोई हक नहीं है, जिसके माँ की ममता को तार तार बाप। सदगुरु पब्लिक स्कूल जानकी कुंड के पास वहीं की परिसर। ये जो सत्ता में जुड़वा बच्चों के अपहरण की बात थी, उसके बाद हमारी चित्रकूट और बांदा पुलिस सहयोग में लगी हुई थी। कल रात ये सूचना मिली कि इसके बच्चों की बॉडी मड़का थाना क्षेत्र में यमुना नदी में होने की संभावना है। देर रात आपको थाना मड़का स्थानीय पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उसमें दोनों बच्चों की बॉडी बरामद हुई है। आगे की अग्रिम कार्रवाई करके इनको भेजा जा रहा है। ये जो सारी डिटेल्स है ये आपको सतना पुलिस बता पाएगी। हमें जो सूचना मिली थी कि जो बॉडी होने की है तो उसमें बरामद हो चुकी है।